हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे दो तीन दिन से वीडियो जो है नहीं आ रहे होंगे, तो बहुत लोगों ने पूछा कि सर क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये था कि BSSC का मेंस आपको पता ही है, मेंस चल रहा था, तो उसमें मेंस हम लोग लगे थे, तो उसी की वजह से हमारे वीडियो नहीं आए। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो SSC मेंस में जो हमारे पेपर आए उसके रिव्यू क्या हैं और कैसा एग्ज़ाम आया है SSC का, तो उसी के बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लिश पोर्शन आया हुआ है SSC में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 11 से या 14 तक, जो भी इन डेट में जो भी एग्ज़ाम इंग्लिश पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ है। मतलब कि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बच्चों को कि जो इंग्लिश आएगी वो इतनी ईजी आएगी, फिर भी हद से ज़्यादा ईजी। मतलब कहें कि जो भी अप्रोच बच्चों ने की है, जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने भी, मुझे तो कोई नहीं मिला जो 190 से नीचे जिसने किया हो, सभी ने यहाँ पर 190 प्लस ही किए हैं। और ऑब्वियस इसमें देखा गया है कि जो हमारा, जैसे कि हमारे मैथ्स है और इंग्लिश है, तो जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है उन्होंने क्या कर दिया, मैथ वाला पोर्शन उन्होंने टफ कर दिया। अब मैथ में हम लोग क्या पढ़ते थे, मैथ में पिछले हमने अगर 2017 का अगर हम SSC का देखें, तो उसमें जो हमारा एडवांस आया था, एडवांस का पोर्शन था मैथ में, एडवांस बहुत ज़्यादा खतरनाक आई थी। इतनी ज़्यादा खतरनाक कि लोगों, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके मन में एक डर बैठ गया था कि अब ज्योमेट्री या जो भी एडवांस है, मेंसुरेशन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं वही आएंगे। तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि नहीं, एडवांस अबकी बार भी खतरनाक ही आएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी बार क्या हुआ, आपकी बार SSC ने अर्थमेटिक पूछ ली। तो वही है कि SSC है वो पेपर बनाती है, वो कुछ भी पूछ सकती है। यहाँ की हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता, हमें तो पूरा पढ़ना है। और जबकि जो पेपर सेट करता है वो भी देखता है। हम लोग यूट्यूब में आपने देखा होगा कि जितने भी क्लासेस हैं वो यही चला रहे हैं कि हाँ एडवांस के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रहे थे। तो जो पेपर सेट करता है वो भी यूट्यूब देखता है, वो भी इंडिया में ही रहता है, उसके पास भी मोबाइल है, वो भी यूट्यूब चलाता है, वो देखता है कि इस टाइम करंट में क्या चल रहा है। देख रहे हैं कि सभी बच्चे एडवांस पढ़ रहे हैं, एडवांस में ये क्वेश्चन एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, आपकी बार उसने अर्थमेटिक कैलकुलेटिव भर दिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अर्थमेटिक के डाल दिए। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो वेंडर था वो दूसरा था, अब हमारा TCS आ गया। TCS जो है वो बैंक के एग्ज़ाम सारे कंडक्ट करवाती है, और वही अब क्या है, वही SSC के एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। तो क्या है कि जो उनका लेवल है वो क्या कर दिया, उसमें उन्होंने कैलकुलेशन ज़्यादा डाल दिया। मतलब कि अगर हमें, हमारी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर हमें जो बेसिक है हमारा रूट है या स्क्वायर क्यूब है वो अगर हमें पूरा आता है, तो क्या होगा उसका, हमारा फिर अर्थमेटिक का पोर्शन आराम से इजीली हो जाएगा। तो वही हमने देखा कि जो हमारा इंग्लिश आई है वो इंग्लिश बहुत ईजी आई है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जिन्होंने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी, प्रैक्टिस ऑब्वियस अगर मेंस दे रहा होगा तो प्रैक्टिस तो उसने करी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब की बार जो उसने मेंस में इंग्लिश ईजी आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आगे जो एग्ज़ाम आएगा 2019 का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें भी इंग्लिश ईजी आएगी, क्योंकि अब की बार आपने देखा कि जो 2017 में जो मैथ आई थी वो ज्योमेट्री आया था, अब की बार उसने अर्थमेटिक पूछ लिया। ठीक है, तो ये हम कह नहीं सकते कि अब की बार अगर इंग्लिश ईजी आई है तो अगली बार नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी ईजी आएगी। इसलिए आप उसको भी मैथ्स के कंपेरिजन में, आप इंग्लिश को ऐसा नहीं कि आप भूल जाएँ, उसको भी आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करते रहना है। तो हमारा वीडियो जो आपका ये था कि जो पैसेज वगैरह देखिए, जो पैसेज आए थे वो भी लॉन्ग पैसेज थे, तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा मैं उसको बताऊंगा कि आपको जो आपकी अप्रोच होगी पैसेज को सॉल्व करने की, कैसे आप करेंगे, कि क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादा ज़्यादा अगर लॉन्ग पैसेज होता है तो हम ऑफिस उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो पैसेज कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें पैसेज के बारे में होगा, पैसेज से रिलेटेड होगा। तो यहाँ हमारा मेन एम था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा SSC इस टाइम फॉर्म में चल ही रहा है, सारे एग्ज़ाम टाइमली करा रहा है, तो अब जो 2019 वाला जो SSC आने वाला है उसकी प्रिपरेशन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी। तब तक के लिए थैंक यू।